सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की विशेष रिपोर्ट दरभंगा से। आपको बता दें कि दरभंगा वार्ड संख्या 30 की रहने वाली कौशल फातिमा को इंटर की परीक्षा के कॉमर्स विषय में पूरे बिहार में टॉप आने पर वार्ड 30 के पूर्व पार्षद एवं दरभंगा जिला शांति समिति सदस्य नफीसुल हक रिंकू ने कौशल फातिमा को उनके घर पर जाकर बधाई दिया है, प्रोत्साहित किया है। मोहल्ला वार्ड संख्या 30 के रहने वाले मध्यवर्गीय परिवार रियाज अहमद व अजमत जवी की बेटी कौशल फातिमा ने, जो किलाघाट स्थित CM कॉलेज दरभंगा की छात्रा हैं, इस बार की इंटर की परीक्षा में कॉमर्स विषय से पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौशल फातिमा ने शानदार अंक लाकर एक नई पहचान बनाई है। कौशल फातिमा ने बताया कि चूंकि शुरू से ही मेरी लगाव अकाउंट्स विषय से को लेकर रही, इस अवसर पर नफीसुल हकर ने कहा कि कौशल फातिमा ने आज अपने माता पिता का नाम ही नहीं बल्कि वार्ड नहीं जिला वो प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। इस मौके पर कौशल फातिमा ने क्या कहा और नफीसुल हक जो पार्षद हैं उन्होंने क्या कहा वो दिखाते हैं आपको। आप बिहार में टॉप किए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जितनी मेहनत की थी उसका रिजल्ट आ गया है। जो मेरा सपना था टॉप करने का वो आज पूरा हो गया। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, और मेरे टीचर का है जैफी अजमी, जिन्होंने मुझे सही गाइड किया कि ऐसे पढ़ो। मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत की तो आज उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसा कि हमारे साथ कौशल फातिमा है, जो आज उनके घर पे भी हम आए हैं उनको मुबारकबाद देने। आज इन्होंने वार्ड नंबर अपने फादर मदर के साथ अपने पूरे वार्ड का, वार्ड नंबर 30 का और दरभंगा का, बिहार का इन्होंने नाम रोशन किया। ये कॉमर्स विभाग कॉमर्स से पूरे बिहार में इंटरमीडिएट इन्होंने टॉप किया है। मैं इनकी इस भावनाओं का कदर करता हूं और इन्होंने जिस तरीके से अपने माँ बाप और दरभंगा और बिहार का नाम रोशन करने का, अपने वार्ड का नाम रोशन किया, तो तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूं। पूर्व पार्षद होने के नाते या स्थानीय मेरी पत्नी पार्षद होने के नाते मैं इनको पूरे वार्ड नंबर 30 की ओर से, सारे लोग की ओर से, मैं पूरे दरभंगा वासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देते हैं। इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि आगे चलकर अपना